हम इस समय घटना स्थल से लाइव हैं। अभी आप जो देख रहे हैं सामने जेसीबी मशीन आपको दिख रही है, जब ये राहत कार्य ग्रामीणों द्वारा प्रथम चरण में था तब एक जो पानी निकालने के लिए पंखी का इंतजाम किया गया था ग्रामीण जनों द्वारा, जो पंखी थी वो अभी जेसीबी के द्वारा निकाल ली गई है। तो मतलब इस स्टेज से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो मलबा निकल रहा है ये किस चरण का मलबा है। ये जो मलबा अभी इस समय निकल रहा है, जब ये दूसरी बार जब ये लोग गिरे थे रात में जो तकरीबन 10:30-11 बजे के बाद दूसरी बार जो घटना हुई थी, जिसमें कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन भी उस घटना में बाल बाल बचे थे, उस घटना के समय का ये मलबा यहाँ से निकाला जा रहा है। अभी अभी एक जो पानी की फेंकने वाली पंखी उसका पूरा मलबा जो है जेसीबी मशीन जो आप सामने देख रहे हैं उसके द्वारा बाहर फेंका गया है। अभी हम जो बताएं कि यहाँ पर जो हाइड्रोलिक एक्सकावेटर्स चल रहे हैं, यहाँ पर दो बड़े एक्सकावेटर हैं जो कि अभी इस कुएं वाले क्षेत्र में जहाँ जो कुआ था उस क्षेत्र में चल रहे हैं। आपको ये सामने का पूरा नज़ारा और जो दृश्य दिख रहा होगा जो कि रात में जो फोटो हमारे पास आए थे, जो वीडियो आए थे, जिसमें कुआ पूरा बंधा हुआ चिनखारियों से दिख रहा था, लेकिन अब ऐसा कोई नामो निशान उस पुराने कुएं का वो स्ट्रक्चर का यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। आप लगातार समाचार अड्डा के माध्यम से इस घटना को देख रहे हैं और हमने आपको रात में चश्मदीदों द्वारा इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया था कि उनका कहना था कि किस प्रकार से 20-21 लोग कुएं के ऊपर उस बच्चे को बचाने के लिए गए थे और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने लगातार हम देख रहे हैं कि रात से ही यहाँ पर प्रशासन का पूरा अमला, पूरा राज्य आयुक्त सहित कलेक्टर पंकज जैन, ADG महोदय तक यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी कुल 18 घंटे हो चुके हैं। 18 घंटे से ये बचाव कार्य चल रहा है और देखा जाए तो अभी भी 50% भी वो कार्य पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बीच बीच में पानी आता है, उस पानी को निकालने की व्यवस्था इंजन के द्वारा की जा रही है, पानी के इंजन द्वारा ये पानी निकाला जा रहा है। अभी जो है जो मलबा निकल रहा है वो गीला मलबा निकल रहा है, मतलब जो पानी वाला भाग था वो पानी इस मलबे में लगातार जो गीला मलबा निकल रहा है हम देख सकते हैं। NDRF के दिशा निर्देशन में ये बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। यहाँ पर पूरा बंदोबस्त प्रशासन का नज़र आ रहा है, लेकिन जो देखा जाए राहत कार्य में वो अभी कुछ जैसे कि सुबह जो शव प्राप्त हुए थे उसके बाद से ऐसी कोई बॉडी कोई शव स्थान से नहीं मिला है। आप देख रहे हैं ये सामने JCB मशीन द्वारा ये गीला मलबा निकाला जा रहा है। अभी अभी कुछ देर पहले एक पंखी का एक स्ट्रक्चर निकाला था जो कि ग्रामीणों द्वारा पानी के खाली करने के लिए यहाँ रात में रखी गई थी, जिस समय वो ट्रैक्टर इस कुएं में गिरा था उस दौरान ये भी उसके साथ कुएं में ही समा गई थी। ये उस समय का मलबा इस समय निकल रहा है, तो ये कहा जाए तो ये दूसरे दौर का मलबा है। अभी इसके नीचे करीब 8 से 10 फीट खुदाई ये की जाएगी, तब आप कह सकते हैं कि ये कुएं का जो आधार था जो बेस था वहाँ तक मशीन के द्वारा पहुँचा जा सकता है। अभी ये लगातार आप देख रहे हैं ये मलबा गीला मलबा लगातार निकल रहा है। और छोटी छोटी दो तीन चीज़ें ऐड कर दीजिए। प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले में गुमशुदा लोगों की एक सूची तैयार की गई है। इस सूची में उन लोगों के नाम दर्ज हैं जो कि इनके परिवारजनों द्वारा बताए गए हैं कि जो अभी घर से गुम हैं। इस प्रकार की पूरी सूची 10 से 12 लोगों की तैयार हुई है। हम आपको बताते चलें कि ये घटना एक बड़ी लापरवाही के कारण हुई है। पहले भी करीब 3 से 4 माह पहले भी ग्रामीणों द्वारा लगातार इस कुएं की बदइंतजामी को लेकर ज्ञापन दिए जा रहे थे। 2 से 3 बार ज्ञापन हुए और ये ज्ञापन इस कुएं को बंद करवाने या इसकी मरम्मत को लेकर के थे, क्योंकि पहले भी एक बार इस प्रकार की घटना हुई थी। इसके बाद ये दूसरी बार ये घटना हुई। हम आए दिन देखते रहते हैं कि बोरवेल में जो बच्चे गिर जाते हैं उसी प्रकार की लापरवाही और कोई कारण दुर्घटना ना हो, इस कारण ग्रामीण सचेत थे और उन्होंने इसका आगाह भी किया था प्रशासन को, इसके संबंध में सूचना भी दी थी ज्ञापन के माध्यम से। लेकिन अब आप देखिए कि वो एक छोटी सी लापरवाही नहीं, कितनी बड़ी घटना को एक यहाँ पर अंजाम दे दिया है। पूरा अमला सारे कार्य छोड़ करके इस काम में लगा हुआ है। यहाँ पर देखना होगा, लोगों को भी व्यवस्था बनाने में सहयोग करने की अपील लगातार प्रशासन कर रहा है। जो बैरिकेडिंग्स की जा रही हैं उसको क्रॉस कर करके लोग बार बार आ जाते हैं, जिस कारण पुलिस महकमा उनको पीछे करने के लिए लगातार दिशा निर्देश दे रहा है और लगातार इंस्ट्रक्शन उनके द्वारा दिए जा रहे हैं, ताकि कोई भी अब इस प्रकार की जो जनहानि है और कोई घटना दुर्घटना अब आगे से इस प्रकार के ना हो पाए। पानी लगातार कुएं में
निकलता जा रहा है और जैसा कि देखा जाता है कि बरसात के दिनों में जो भराव होता है वो पानी खोदने के साथ में झिर के साथ लगातार रिसता हुआ पानी कुएं में भरता है। वैसी ही स्थिति अब इसमें बन रही है। इस कुएं में पानी लगातार रिस के झिर के माध्यम से इसमें आ रहा है। पानी का जो भराव है वो इस कुएं में हो रहा है। मलबा एकदम गीला निकल रहा है। अभी तक जो मलबा निकल रहा था वो सूखा मलबा निकल रहा था, ऊपर का मलबा निकल रहा था, जो कुआ गिरा था, जो ओले उसमें गिरी थी वो उस समय का मलबा गिर रहा था। अब जो मलबा इस अभी गिर रहा है वो मलबा इसमें एकदम जो पानी है वो मलबे के साथ पानी निकल करके आ रहा है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये पाइप्स लाए जा रहे हैं। इन पाइप्स को कनेक्ट किया जाएगा इंजन में और इसके द्वारा ये पानी को फेंकने की ये पूरी व्यवस्था है। यहाँ से पूरी एक नाली बनाई गई है। इस नाली में से ये 3 इंची के पाइप हैं। इन एग्रीकल्चर पाइप्स के द्वारा ये पानी को यहाँ से निकाला जाएगा। समाचार अड्डा आपको लगातार इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दे रहा है। अभी ये पाइप को नीचे पहुंचाया जा रहा है और इसको इंजन से कनेक्ट करके जो आगे देख सकते हैं हम चल के हमारे साथ कि ये पानी मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आगे आके दिखाएं कि किस प्रकार से कुएं में जो है झिर के द्वारा पानी आ चुका है। उसको निकालने के लिए ये इंजन की व्यवस्था की जा रही है। पानी निकाला जा रहा है। पुलिस द्वारा और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप सभी इस घटना को देखने के लिए इस क्षेत्र में बिल्कुल ना आएं। जो भी घटना है आप अपने घर में रह करके जो भी न्यूज़ के माध्यम आपके स्रोत हैं उनसे प्राप्त कर सकें। यहां पर अनावश्यक भीड़ लगाने से बद इंतजामी यहां हो रही है। जो कार है, जो राहत कार है, बचाव कार है, उसमें पुलिस आदि को जो व्यवस्था बनानी पड़ रही है, वो भीड़ को मोब को कंट्रोल करने की व्यवस्था बनानी पड़ रही है, जिससे स्थिति परिस्थिति अनियंत्रित हो सकती है। इसलिए ये बार बार प्रशासन के द्वारा भी अपील की जा रही है और समाचार अड्डा भी यही अपील करता है कि आप इस पूरे मामले को देखने के लिए घटनास्थल तक बिल्कुल ना आएँ और जहाँ हैं आप वहीं से इस पूरी घटना का अपडेट लेते रहें। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कलेक्टर पंकज जैन और कमिश्नर कविंद्र क्यावत के संपर्क में हैं। लगातार उनकी वीडियो के माध्यम से और कॉल के माध्यम से लगातार बात हो रही है। विश्वास सारंग जी से भी अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने अभी जो कार्य राहत कार्य चल रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार ये पानी की स्थिति, जब वो कुआ रात में जो तस्वीरें आई थी, जिस प्रकार से वो चप्पलें कुएं में तैरती हुई दिख रही थी, अब उसी लेवल पर पूरा जो गहराई आई है। इसके बाद में अब जो कोपरा है, कड़क कोपरा आना शुरू हुआ है। ये कुआ अभी चारों ओर से पत्थर से बंधा हुआ था, चिनखारियों से बंधा हुआ था और जो मुरमा वाला क्षेत्र था, मुलायम क्षेत्र था, जो हवा और पानी के कारण रात में भरभरा कर गिरा था, उसके नीचे वाला जो हम देख सकते हैं ये कोपरा वाला भाग अभी आया है। अंदाजन ये 25 से 30 फीट गहराई है और पानी का इंजन, इसके माध्यम से भी पानी निकालने का प्रयास, इसके प्रबंध किए जा रहे हैं, क्योंकि पानी एक अच्छी खासी मात्रा में आ गया है। 3 फीट के लगभग पानी इस कुएं में नज़र आता है। एनडीआरएफ के अधिकारी लगातार अपने निर्देशन में इस पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं। एक बैरिकेडिंग कर ली है, एक बॉर्डर बना ली है, जिसमें कि 2 लेयर हैं। फर्स्ट लेयर में एनडीआरएफ दिखाई देगा जो कि इस पूरे बचाव कार्य में लगा हुआ है। सेकंड लेयर में हमको ये पुलिस महकमा दिखाई देता है जो कि इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ उपस्थित है। जब ये घटना घटी तो प्रारंभ में करीब 2 घंटे से 3 घंटे तक ग्रामीण द्वारा अपने प्रयासों से ये इस पूरे बचाव को कार्य को किया गया, लेकिन जब उनके द्वारा ये बचाव कार्य नहीं हुआ तो प्रशासन को जब इस पूरे घटना का अंदाज़ा हुआ कि ये कितनी बड़ी घटना है, कितने लोग गिरे हैं, तब सब प्रकार के संसाधन जुटाए गए। तुरंत एनडीआरएफ को मौके पर पहुँचाया गया। जिले पूरे जो विदिशा जिला है उसके आसपास की पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर की गई। आप देख सकते हैं समाचार अड्डा पर लाइव।
17 से 18 घंटे इस पूरे राहत कार्य में, इस पूरे बचाव कार्य में लगातार प्रशासन, पुलिस मुस्तैदी से